नाबार्ड द्वारा संचालित कृषक उत्पादकता समूह की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी और समूह के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कृषक उत्पादकता समूह के सदस्यों से उनकी समस्याओं और सुझावों से अवगत होते हुए उन्हें उनके उत्पादों के लिए उचित प्लेटफॉर्म देने के निर्देश दिए। सीडीओ ने कहा कि कृषि देश की संपन्नता को बढ़ाती है, किसान देश की जान है, इनके फसलों के दामों को उचित मूल्य मिले जिससे ये आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। एफपीओ के थ्रू सर मुझे यहाँ तक पता चला क्योंकि मैंने मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करा कि यू सपोज टू गो फॉर मार्केटिंग प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होगी। अदरवाइज सर इंडिविजुअल में क्या होता है कि आप कंप्लेन कर रहे हो बहुत से ग्राउंड लेवल पे मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं रहे लाइक सर कि मेरा कैश का पैसा नहीं निकला बैंक को ना बंद हो गया सर मैनेजर ही दिया तो हमारे यार वहाँ पर जाके मेरा काम हो जाता है इनवर्टिवली ग्राउंड लेवल पर किसानों के साथ जुड़ के काम करना यहाँ पे कोई भी डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है तो दैट इज नॉट एन ईजी टास्क दैट्स वाई दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस और हम बैक रहेंगे। बहुत जल्दी मैं भी आपके लिए सीट में शामिल होऊंगा डैम श्योर होगी और मैं जाऊंगा सर यूपी में जो हमारा वैल्यू एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है जैसे मध्य प्रदेश में पठार से नाम आता है निमुच मंडी का पठार से नाम आता है सिरोही का पठार से नाम आता है वाई दे आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट हमारे गन्ने का कई नाम नहीं आता थाउजेंड ऑफ एकर्स क्लियर प्रोड्यूसिंग गन्ना हमारे केले का कहीं नाम नहीं आता है रामचरण वर्मा जी का नाम कैसे प्रोड्यूसिंग होगी लाल भिंडी होगी या लाल केला होगी। सो आई थिंक काफ़ी लेंथी हो रहा है मैटर ऑफ माई थ्रेड का क्लियर तो सिर्फ एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बोल्ड होइए एग्रेसिव होइए ऑल द मैनेजर्स आर फॉर अस बहुत सारे प्रोजेक्ट में नाराज हो जाने के लिए लेकिन दसवीं साल में आना पड़ेगा और मेरी ये है कि सबको आना पड़ेगा मेरी बगिया में आपके अप्रिसिएशन मुझे तब मिलेगा जब मैं ऑफिस की जगह आपको इंटरटेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच सर इतना सपोर्ट मिलता है और मुझे बोलने का ये मौका मिलता है तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आज जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें इतनी मार्केटिंग की जो हमारे तत्काल जो पैदा कर रहे हैं वो कंपनी के दौर था न रहने के कारण हमारे यहाँ स्टाफिंग और प्रोत्साहन होने के कारण इनोवा वगैरह ये सब छोटी खेती पर यह चीज कम है लेकिन जो प्रॉब्लम अभी आगे है वो व्यापार हम चाह रहे जैसे धान गेहूँ की खरीदारी सरकार कर रही है उस तरह के एक स्टार कैसे बने जितने हमारे काश्तकार हैं हमारे काश्तकार बड़ा से लगाए हैं या बाध्यता के हैं पूरे हैं जुड़े हैं लेकिन उनकी सारी हमारे अच्छा लगता है सर एक जगह से तो आप सोचिए कंपनी को किया जाए तो एक अच्छा किसान का हमारा एकदम कम नहीं समझे इसके आगे बढ़ाने के लिए या हमारे मैनेजर जी हैं उनके साथ ही जुड़े हुए हैं और वो भी हमारे प्रोत्साहन और हमारे तब यह सब पहुँच गया था कि आई आई टी आप लेके आया था लिखने का
तो बोलते काफ़ी सुंदर है चित्र। और वहाँ के जब मैं फोटो उनको जब भेजा तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये तो बहुत सुंदर नहीं है, आपका निर्माण इतना बड़ा अच्छा स्वादिष्ट हो नहीं सकता। उन्होंने मुझे बोला ठीक है लॉकडाउन खत्म हो जाते हैं यहाँ पे भी आप जाइए। असर मैंने ऐसी निर्माण का देखी चीज तैयार किया क्योंकि इस बार मैं वहाँ पर दोबारा नहीं जाऊँगा। मेरा तो मैं ये कहना चाहता हूँ किसान जो मार्केट में दिया है जो तीन खरीदने में यहाँ खराब जाते हैं। पहली चीज़ तो ये सर कोचिंग ऊपर जाते पड़ता है सर, और सर लॉकडाउन में कुछ किसान की हालत रहती हो गई है कि वो खेत भिजवा नहीं पा रहे, छुटवाने के बाद कुछ लगाया और फिर काम आगे बढ़ा। सर पैसे खत्म हो गए हैं, लोगों के पास टीम नहीं है, खाद नहीं है। सर ये आप लोग के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसानों के पास पहुँचिए, उनसे बोलिए आपको मार्केट से सस्ते रेट में जो एस टी ओ जो है सस्ते रेट में सीजन अवेलेबल कराए और उसको प्रोत्साहित करें भाई इस रेट पर आप खाद में लेकर के ये सर इस्तेमाल करता हूँ। तो कुछ नहीं है, बस हम लोग जाना चाहते हैं। बोलिए।